आम बजट से पहले सुनिए सरकार। अब की बार युवा मांगे रोजगार। छात्रों को चाहिए मौके शानदार। अब की बार बाजार होगा गुलजार। क्या अब नेपालियों की आएगी बहार। अब की बार महंगाई पर चाहिए अंतिम प्रहार। क्या अब की बार किसानों का होगा उद्धार। क्या बजट 2020 होगा सबसे यादगार। वित्त मंत्री जी से यूपी वालों की गुहार। जनता मांगे मौ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनता मांगे मोर और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेगी। इस बार 2020 का आम बजट क्यों खास है, जनता क्या चाहती है, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, AR9 की टीम ने जानने की कोशिश की। शिक्षा से लेकर रोजगार तक लोग क्या चाहते हैं, ये सब आपको अगले आधे घंटे तक बताएंगे। तो देखते रहिए जनता मांगे मोर। तो जनता मांगे मोर में सबसे पहले आप उन महिलाओं को सुनिए जो घर का बजट संभालती हैं। वो इस बार क्या चाहती हैं, ये सुनिए। सरकार से ये उम्मीदें हैं इस बार कि बजट ऐसा आए जो मिला जुला हो, ताकि हम जो नॉर्मल हाउसवाइफ हैं उनको जो दिक्कतें आती हैं, प्याज चीनी आटा चावल जो इतना महंगा हो जाता है, हमें हाउसवाइफ हैं तो हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बजट हमारा अच्छा रहे। बीच में प्याज 100 से 120 किलो रुपए किलो हो चुका था, जो हमारे बजट से बहुत बाहर है। अगर इंसान 8 से 10 हज़ार कमा रहा है तो वो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करेगा, कहाँ से खाएगा और उनका घर कैसे चलेगा, जबकि बच्चे भी हैं, उनके एजुकेशन भी है। तो बजट ऐसा है जो हमें हमारे हाउसवाइफ है हमारे घर के लिए अच्छा हो। गरीबों का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है जो कर रहे हैं वो अच्छा है, पर नीचे वाले लोगों को देख के ही तो करना चाहिए ना। उन्हीं से सरकार है, उनका तो लोग ख्याल रखते नहीं। इतनी महंगाई, प्याज 180 से 120 रुपए किलो हो रखा, तो क्या खाएगा बताओ कोई, है ना। गैस पहले 300-400 में आ जाती थी, आज 700-800 की पड़ रही है, तो कहाँ तक करेगा गरीब। हम तो हर जगह से ही मारे जाते हैं। सरकार को बोलो कि थोड़ा सस्ता करे, जैसा भी है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत इससे आगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो लोग भी परेशान हो रहे हैं, सबको परेशान। गरीब आदमी कितना 2 पैसे कमाएगा, बच्चे पालेगा या फिर यहाँ पे खर्चा पानी करेगा, बताओ। ये सब चीज़ बोलनी चाहिए, बस यही बोलना था मुझे कि महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे ही होगा तो वोट कोई नहीं देगा सरकार को, ये भी बता दिया है, क्योंकि एक घर में 10-10, 20-20 लोग दे रहे हैं ना, लोग हैं, वो कैसे देंगे आपको। जब महंगाई हो जाएगी, जब गरीबों को ही नहीं कोई सहारा है, तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे बैठ के। 2020 का जो बजट आने वाला है, तो उससे हम मिडिल क्लास फैमिली को मोदी जी से काफ़ी उम्मीदें हैं। और हम मोदी जी से पहले तो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए कहना चाहेंगे, जो प्राइवेट स्कूल में आजकल एजुकेशन की जो फीसेज हैं वो फैसिलिटीज़ के नाम पर बहुत ही ज़्यादा फीस ली जाती हैं, फैसिलिटीज़ एंड कन्वेंस के नाम पे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चाहेंगे कि वो इस पर ध्यान दें। हम लेट जाएँ, हम वर्किंग करते हैं, तो हमारे लिए सरकार कुछ ऐसा करे कि हमारी जॉब के लिए हमारी सैलरी भी अच्छी हो
और हम अपने परिवार को भी देख पाएं, क्योंकि अगर क्या होता है जेंट्स की सैलरी ज़्यादा होती है, लेडीज़ की कम होती है, क्योंकि सरकार ये नहीं देख पाता है कि लेडीज़ को घर भी संभालना पड़ता है, फैमिली भी संभालनी पड़ती है। तो मैं यही सरकार से बोलूँगी कि हमारे बारे में कुछ सोचें, 2020 में हमारे लिए कुछ करके दिखाएं, लेडीज़ों के लिए जो हमारा करियर है वो हमारा आगे बढ़ाएं, वर्किंग में भी और हमारे घर परिवार में भी। मैं गृहिणी के तौर पे अगर कहूँ तो 2019 मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि जो घर का बजट था, जो रसोई थी, वो इस बजट के साथ मुझसे संभाली नहीं गई। और 2020 के बजट को लेकर अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि 2020 में क्या अच्छा होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि मेरी रसोई 2019 में तो अच्छी नहीं चली। शिक्षा को लेकर छात्र छात्राओं की सोच क्या है, इन्हें क्या चाहिए, ये भी सुनिए। गवर्नमेंट से चाहते हैं सबसे पहले जो जॉब्स को लेके करप्शन है हम हर फील्ड में देख रहे हैं, सबसे पहले वो मिटना चाहिए। और स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, जैसे कि मेडिकल दी ने बोला मेडिकल लाइन में होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिल पाता, बट प्राइवेट कॉलेज में वो एडमिशन अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि फाइनेंशियल इतनी अच्छी है नहीं। तो सबसे पहले हमारी सरकार को, आई एम फ्रॉम यूपी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ये करना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, या फिर इंजीनियरिंग में भी खोलने चाहिए जिससे कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल इतनी अच्छी है नहीं। तो बजट में सबसे पहले स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर शिक्षा क्षेत्र में होना चाहिए बजट, और क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, वैकेंसी कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है, इसी के वैकेंसी निकालनी चाहिए शिक्षा के, उसमें मतलब थोड़ा सा काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं बजट से उम्मीद रखता हूँ, जैसे कि कोई भर्ती आती है, भर्ती आने के बाद उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक बार सिलेक्शन होने के बाद बच्चा टाइम पीरियड घर बैठा रहता है, उसे क्या करना है, आगे इस चीज़ का कार्रवाई होनी चाहिए। और बजट में मैं ये कहना चाहूँगा जितनी भर्ती हैं शीघ्र करें, जितनी जल्दी उसे टाइम पीरियड उसे कम करें और धांधलीबाजी कम करें, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जी मैं UPSI की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि भर्ती फरवरी से आ रही है लेकिन बच्चे वेटिंग में अभी तक नहीं आई। सर यही है कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकालें, और वैकेंसीज निकालने के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं एटलीस्ट उन्हें कराएं, क्योंकि इतना लंबा पीरियड्स निकल जाता है, पहली बात एग्ज़ाम होते ही नहीं है हमारे, पहले वैकेंसी निकाल देंगे, 6-6 महीने बाद फॉर्म फिल करे जाते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद 1-1.5 साल निकल जाता है, हमारे एग्ज़ाम्स ही नहीं हो पाते हैं, और जब एग्ज़ाम हो उसके बाद रिजल्ट आए 3-3 साल ये इसी चीज़ में निकाल देते हैं। तो एटलीस्ट ये है कि बजट अगर ये निकाल रहे हैं तो उसमें वैकेंसीज डालें, और ये इम्प्लीमेंटेशन हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एग्ज़ाम्स हो और लोगों को रोज़गार मिले। 2020 के बजट में एजुकेशन में कुछ ना कुछ ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता जा रहे हैं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, जॉब्स नहीं है, आप देख सकते हो। अगर जॉब्स आएंगी, गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी, तभी बच्चे कामयाब होंगे, और जब बच्चे कामयाब होंगे तो हमारे देश का भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। अभी तो ये प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चों को जॉब नहीं मिलती है, सरकारी जॉब्स हैं ही नहीं, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसके अलावा कारोबारी, दुकानदार, कारीगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या मांग रहे हैं वो भी सुनिए। सबसे पहले तो टैक्सेशन जो है उसको आप जूट को, जैसे मैं अपने जूट की बात करूंगी, जूट क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक का, तो ये तो टैक्स फ्री हो जाना चाहिए, लेकिन इस पर 12% टैक्स लगता है जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो इसके GST और टैक्सेस पे इस पर थोड़ा सा चेंजेस करें, तब्दीली किया जाए, ताकि हर किसी के ख़रीदने के लिए सब सही तरीके से ख़रीद पाएँ और उनको सही उचित दाम मिल पाए, उस पर एक वो प्रक्रिया बन पाए। चाहते हैं कि उनको कम लागत पे स्टॉल मार्केटिंग की सुविधा जो है मिलनी चाहिए, साथ में बैंकों का रेट ऑफ़ इंटरेस्ट भी घटाया जाना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ज़्यादा होने इसके कारण जो है लागत बढ़ जाती है, और हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको चीज़ें महंगी लगने लगती हैं। मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने खादी ग्राम उद्योग से अभी लोन लिया था, उसका है क्या नाम है, प्रधानमंत्री योजना में, तो हम लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इसमें अभी 35% महिलाओं को सब्सिडी भी मिली है, और प्लस में हमें मिला है जो एक पूरे साल का ब्याज मुफ्त है सरकार की तरफ से, और उसकी वजह से हम लोगों ने एक अच्छा प्रोजेक्ट डाला था अगरबत्ती धूप बत्ती का। आज मैंने 1500 रुपये से मोमबत्ती शुरू की और आज 1.5 से 2 लाख रुपये टर्नओवर हम लोगों का रहता है, बहुत अच्छा काम है। हमारी अपेक्षा यही है कि ऑनलाइन की बिक्री जो है थोड़ी कम हो, और व्यापार वर्ग के व्यापारियों को जो है थोड़ा सा उस पर लाभ मिले, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है दबता चला जा रहा है और ऑनलाइन बिक्री जो है बढ़ती चली जा रही है।
इसलिए हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि वो व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें। टैक्स तो कम देखिए होना चाहिए, अभी ये जीएसटी के बाद और ज़्यादा मंदी आ गई है, तो टैक्स अब हमारा जो इनकम है उस पर भी टैक्स लिया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग तो हम कहना चाहेंगे ही कि जो है टैक्स कम होना चाहिए। आने वाले बजट में सरकार की अपेक्षाएं कि इतनी महंगाई उन्होंने बढ़ा दी कि बिजनेसमैन परेशान हो चुका है, बिजनेसमैन बहुत परेशान हो चुका है, उनको टेंशन नहीं डिप्रेशन में दे दिया गया। जो आज डॉक्टर है ना वो डिप्रेशन की दवा सिर्फ देते हैं कि आप टेंशन ना कीजिए, कल सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, इस तरह कहते हैं। क्या करें, धागा जो है बहुत महंगा है और कारीगरी जो है बहुत सस्ती है, समझे? मतलब जो है हम लोगों को भाई यहाँ पे होलसेल मंडी है, बहुत कम सस्ते रेट में बिक रहा है, समझिए, उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कपड़े के रेट जो है घटाएं और धागा जो है वो सस्ता करें तो उसमें हम लोगों को रिस्पॉन्स मिले कुछ। सर हम तो यही चाहते हैं कि सरकार सबके लिए बेहतरी करना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स चिकन में लगते हैं उसमें जैसे टैक्स किसी में ज़्यादा है तो सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, या जो चिकन में जो मटेरियल लगता है उसमें सरकार को जो है जो मटेरियल महंगे है उसमें टैक्स कम करना चाहिए। तो उससे क्या है ना कि मतलब जो कारीगर हैं उनको जब मटेरियल सस्ता पड़ेगा तो उनको बेनिफिट उसका अच्छा मिलेगा उसका। सरकार बता रहे हैं जब से GST आई है चिकन में, हम लोग चिकन में आज तक कोई टैक्स लगा ही नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स ही हम लोग भरते थे। जब से GST लगी है, जब से कारोबार की बहुत कुछ टाइट हो गई पोजिशन, यही सब ऐसे ही चल रहा है बस, लेकिन खुश नहीं हम लोग। ये गुजारिश है कि सरकार हमारा भी ख्याल करे कि हम लोग मजदूर वर्कर जाएँ कहाँ, हमको भी पेट पालने के लिए कुछ ज़रूरी काम है, जीना है, बच्चे हैं और सब हैं, हमारे पीछे बहुत से बातें हैं, बहुत से लोग जी रहे हैं, तो उसी हिसाब से बहुत से सारे लोग भी हैं, तो उसी हिसाब से ऐसा सरकार करे कि सारे लोगों की रोजी रोटी चले, हमारा कहने का मतलब यह है। देखिए समस्याएं तो बहुत हैं बुनकरों की, बुनकर क्या नाम है कि गोरखपुर के आधे बुनकर अपना लूम बेच चुके हैं क्योंकि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमारा जो फ्लैट रेट है उसको भी जारी रखे, उसके साथ जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है सरकारी स्कूलों में ड्रेस बांटती है जो कि हम लोगों को कपड़ा जाता है, हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है ये कपड़ा बुनकरों के थ्रू खरीदे जिससे ये कारोबार फिर से चलने लगे, बुनकर भी खुशहाली पर आ जाए, वरना बुनकरों के हालात बहुत ही ख़राब हैं, आधे लूम बुक चुके हैं, सारे बुनकर बेरोजगार हो चुके हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए भी कुछ करे, हमारे लिए भी कोई बजट पेश करे। हम यहाँ 15-20 साल से इनके वहाँ काम करते हैं और काम ही नहीं हो पाता, हरदम मशीन बंद रहती है और क्या नाम है बिनाई भी नहीं बढ़ती है, लाइट भी नहीं रहती है, बहुत परेशानी होती है, हरदम माल बन लाया करता है, ये है तो वो है, माल बिक नहीं रहा है तो जैसा माल भी मिलता है उसे करते हैं, लेकिन बिनाई बहुत ज़्यादा काम है, लाइट भी नहीं रहती है, बहुत परेशानी होती है, काम ही नहीं होता है, रात भर जागते हैं तब 200 का काम होता है, रात भर जागने पे तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही है कि मतलब बिनाई बढ़े, लाइट रहे, कम से कम बिजली बिल हो ताकि आदमी बिल जमा करे, बिल जमा हो जाए, बहुत सब समझ लीजिए इतना ख़राब हो गया कारोबार, बहुत लूम बिक गया गोरखपुर। बजट जो है भैया इस बार सरकार को सबसे पहले तो एक मंडी शुल्क ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मंडी शुल्क ख़त्म होगा तो काफ़ी उसमें हर तरह के वर्ग को आसान मिलेगा। एक खाद अधिनियम है, जैसे हमारा खाद अधिनियम का जो लाइसेंस रिन्यू होता है उसे केवल वन टाइम करना चाहिए सरकार को कि उसे बार बार नवीकरण ना करवाया जाए। तीसरा ये है कि ऑनलाइन में लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी होलसेल प्राइस भी नहीं होती और वहाँ से कई परसेंट ऑनलाइन सस्ता बेचता है, तो सरकार को सबसे पहले ऑनलाइन पे भी कमर कसनी चाहिए कि व्यापारियों का जो छोटे दुकानदार हैं चाहे बड़े दुकानदार हैं सबका मार्जिन पीछे एक ही हो। और ये जो 2020 का बजट है उम्मीद है उसमें ये सरकार हमको बहुत राहत देने वाली है, उसमें किसानों के लिए बचत के लिए और जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए और सारी डिजिटल मनी के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है और इस चीज़ का आभास हो गया है कि जो घरेलू रोज़मर्रा वाले प्रोडक्ट हैं, आइटम हैं जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं उनके भाव आसमान छूने लगते हैं एकदम। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्याज है एकदम 100 रुपये के आसपास आ गया जो घर का किचन का बजट जो है गड़बड़ा देता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों पर रोकथाम चाहता हूँ मैं सरकार से। और दूसरा बजट ऐसा होना चाहिए जो गरीब आदमी से लेके मिडिल क्लास तक को जो पसंद आए और जो है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
अपर वाले तो बहन कर लेते, लेकिन फंसते बीच में मिडिल क्लास वाले और लोअर वाले हैं। वो पॉलिसी लानी चाहिए जो दोनों के हित में हो। होता क्या है कि जिसे मैं मंडी में जाता हूँ तो मंडी में बाजार भाव ऊपर से तय होता है डेली। जैसे आप 40 की मटर है तो आप कहीं भी मिलाओ रेट तो 40 ही चलेगी, तो रेट तो ऊपर से तय होते हैं, व्यापारी तय करते हैं। अब प्याज अचानक, ऐसा नहीं कि देश में प्याज की कमी हो गई, ऐसा नहीं है, वो होल्डिंग कर लिए अपने हिसाब से, वो माल निकालते हैं, रेट भी तय करते हैं, माल भी उतने निकालते हैं जितने में मतलब हैंड टू माउथ रहे, स्कार्सिटी बना के रखते हैं। ये क्रिएटिव है मतलब, ठीक है, बनाया बनाया हुआ है, तो उस सब पे कंट्रोल गवर्नमेंट को करना चाहिए। 2020 को लेके मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए उनके ऊपर, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़, एजुकेशन से लेके, मेडिकल से लेके, और घर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी प्याज महंगा हो गया था। जो पैसा कमा रहा है, आप सभी जानते हैं कि दो नंबर से पैसा कमाने वाला है, या जो बिज़नेस कर रहा है अच्छा खासा, और सबसे बड़ी बात है जो बिज़नेस कर रहे हैं वो दो नंबर का पैसा कमाते ही कमाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जो बंदा मेहनत से पैसा कमा रहा है ना, जो 12-12 घंटे नौकरी कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसे गवर्नमेंट स्कूल की हालत ख़राब है, खासकर यूपी के अंदर। दिल्ली में थोड़ा बहुत काम हुआ, केजरीवाल ने किया, अभी सेंट्रल में बीजेपी बैठी है, तो मैं चाहता हूँ कि बीजेपी बजट को लेके मिडिल क्लास फैमिली को ज़रूर मतलब ध्यान दे उन चीज़ों पर, ज़रूर ध्यान दे। और अब बात भदोही की। भदोही में कालीन का कारोबार किस तरीके से चल रहा है, कालीन कारोबारी क्या चाहते हैं, उन्हें किस तरीके की दिक्कतें हैं, ये भी सुनिए। भदोही का कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, और उत्तर प्रदेश ने देश को सबसे ज़्यादा जो है विदेशी करेंसी अर्जित कराता है। इस उद्योग में लाखों मजदूर लगे हुए हैं, और आज के हालात में जो आर्थिक मंदी पूरे विश्व में है, उससे अछूती हमारा मुल्क नहीं है। आज आर्थिक मंदी के कारण कालीन उद्योग भी एकदम चरमराया हुआ है। यहाँ कालीन उद्योग को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग कई बार अपने हुकूमत से बात करते रहे हैं कि यहाँ पे हमको जो है वो सारी सुविधाएं दी जाए, जिससे हमारे विदेशी बायर आएँ तो भदोही आए, और भदोही के कालीन उद्योग का विकास हो सके। हम लोग को जो पहले सब्सिडी मिलती थी, अदर का जो पहले गवर्नमेंट दे रही थी, 10% थी, ड्रॉबैक थी, लाइसेंस था, वो प्रोवाइड शुरू कर दे। प्लस दूसरा जो अदर कंट्री है, जो दूसरे मटेरियल पे, वहाँ रॉ मटेरियल पे वहाँ पर देती है, सब्सिडी देती है वहाँ पे, जिसके वजह से प्रोडक्ट सस्ता होता है, उस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। तीसरा जो मजबूती, सबसे मेन चीज़ ये है कि जो यहाँ के बुनकरों का पलायन हो रहा है, कुछ ऐसा स्कीम गवर्नमेंट लाए वहाँ पे कि उनका पलायन रुक जाए, उनकी मजदूरी बढ़ जाए। तो हम तो ये आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी, और हम लोग के हित में बजट होगा। हम बहुत ही आशा भर नज़र से देख रहे हैं गवर्नमेंट का प्लान को। हम लोग इस बार तो हमें गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीद है कि बजट इस बार इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा करें कि इंडस्ट्री ग्रो करे, और जो हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट बिजनेस है वो अच्छी तरह से ग्रो करे। और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं या जो भी फ्रेट से रिलेटेड हैं, यहाँ के एक्सपोर्टरों को उनको रियायतें दें कि उनको एक प्रोत्साहन मिले और अपना वो एक्सपोर्ट में अपना वो बेनिफिट लें। देखिए, जो कारपेट इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा जो समस्या यहाँ पे है कि हैंडमेड और बनाम मशीन मेड। तो ऐसे में यहाँ की इंडस्ट्री के लोगों की ज़रूरत है कि हैंडमेड जो कारपेट बनते हैं उन्हें अलग से कुछ ना कुछ जो है रिबेट सरकार दे या कुछ प्रोत्साहन राशि दे, जिससे जो है वो उत्पादन कर सकें बेहतर। क्योंकि मशीन से मुकाबला हैंडमेड का करना एक मुश्किल काम होता है। मशीन सस्ता पड़ता है, जो लोगों की पसंद बनती जा रही है, इसकी वजह से रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, और नए लोग जो है उसके जैसे मजदूरी उनको कम मिल रही है। तो जो नए लोग काम करने वाले जो कारीगर थे, उनके बच्चे अब इस बिजनेस में नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों की सरकार से अपेक्षा है कि सरकार हैंडमेड पे कुछ अलग से ऐसी राशि दे कि हम लोग सर्वाइव कर सकें, और हैंडमेड को एक अलग कैटेगरी का दर्जा भी सरकार को देना चाहिए। और अब जो लोग नौकरी करते हैं वो इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव चाहते हैं, उनकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो भी सुनिए। अभी जो टैक्सेशन में जो इन्होंने चेंजेस करना चाह रहे हैं, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उसमें तो इन्होंने करा है, लेकिन जो नॉन एक्सपेंसिव है, जो आम तौर से लोग ले रहे हैं, उसमें भी कुछ उनको देखना चाहिए। वो उनको भी एक्सपेंसिव कैटेगरी में डाल के रखे हैं, जो नॉन एक्सपेंसिव देखने में लगता है। बाकी चीज़ें ये जो इन्होंने अभी भी इनका GST का स्लैब क्लियर नहीं हो पाया है, आए दिन कोई ना कोई फिर बदल करते हैं, तो उसको स्टेटस मेंटेन कर दें। बाकी मार्केट की हालत इस टाइम ये हो गई है कि आप सामान लेने चाह रहे हो तब भी सामान मिल रहा है, और जो दुकानदार है वो ये भी कह रहा है कि आज के टाइम पे मार्केट 50% डाउन हो गई है।
तो ये किस बेस पे ये बोल रहे हैं कि हमारी मार्केट अप हुई है, जब मार्केट में जो व्यापारी है, जो रिटेलर है, वो ये कह रहा है कि व्यापार हमारा 50% कम हुआ है, तो 50% अप कैसे हुआ है, ये इनका इसके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। सरकार से अपेक्षा ये है कि जो वर्तमान समय में जो मंदी चल रही है और एक्चुअली ये स्टैगफ्लेशन है, ये मंदी भी क्या स्टैगफ्लेशन है, राइजिंग प्राइजेस एंड डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो स्टैगफ्लेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिमांड को जनरेट किया जाए, डिमांड को जनरेट करने के लिए ज़रूरी है कि टैक्स इनकम टैक्स रेट्स में कट किया जाए ताकि जनता के पास ज़्यादा पैसा पहुँचे, जब ज़्यादा पैसा होगा तो वो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए तो कहेंगे टैक्स के जो है स्लैब्स में है इसमें रिडक्शन होना चाहिए, जिससे इन्फ्लेशन को मीट आउट करने में, लोगों की कंजम्पशन का भी है तो इससे आपकी डिमांड भी बढ़ेगी और जॉब भी लोगों को इससे मिलेगा अपने जो है, और पर और जो वेतनभोगी हैं उनको भी रिलीफ होगी, उनके भी नेट सैलरी जो हैगी वो उनको सरप्लस होगा, तभी वो भी अपने जो है देश की इकोनॉमी में जीडीपी में सही। तो इनकम टैक्स का स्लैब है वो एटलीस्ट 10 लाख करें, जिस तरीके से आजकल के पैकेज हैं लोगों के, जो और जो ATC की लिमिट है उसको बढ़ा करके 3 लाख करना चाहिए। अभी जो मौजूदा हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली इकॉनमी एज इट इज़ डाउन पड़ी हुई है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो खर्च कर पाए, तो कुछ रिबेट मिलना चाहिए, कुछ कंसेशंस एज अ नॉर्मल पर्सन, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी में भी बढ़त आएगी, लोगों के पास पैसा भी आएगा तो वो खर्च से ज़्यादा कर पाएंगे, ये मुझे लगता है मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन है। बजट ये होना चाहिए कि जो बीच का स्लैब ख़त्म कर दिया है 5% के बाद में सीधे 20% है, एक बीच में स्लैब 10% का होना चाहिए, जो 10 लाख तक का होना चाहिए कम से कम, और इंटरेस्ट पे भी जो है रिबेट 10,000 की है केवल, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। इनकम टैक्स से रिबेट देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू लोअर टैक्स कॉफिन्स फॉर द गवर्नमेंट, बट द टैक्स का जो अपना सिस्टम है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। आई वुड से डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, अभी आप देखिए तो डायरेक्ट टैक्सेस की भी कलेक्शन ड्रॉप्ड है, लोवेस्ट है इस साल की, तो सरकार को टैक्स रिफॉर्म्स करने चाहिए बेसिकली। आई वुड से जो बाहरी कंट्रीज में होता है कंजम्पशन पर टैक्स लगता है, 1 टैक्स, इस तरह का कोई रिफॉर्म अगर सोच सकते हैं तो वो बेटर। उधर भोजपुर को लेकर दरअसल पूर्वांचल की क्या कुछ राय है, भोजपुरी कलाकार सरकार से क्या कुछ चाहते हैं वो भी सुनिए। मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि हमारे अगर कुछ बजट आता है तो हमारे भोजपुरी के लिए भी कुछ ऐसा करें ताकि हमारे ये जो कलाकार हैं उनको एक सही स्थान मिले जहां से ये कुछ कर सके। जैसे कि हमारे गोरखपुर में अगर एक फिल्म सिटी हो जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी फिल्म सिटी अगर हो जाए तो हम ये कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात होगी और आगे चलने का हम लोगों को एक मार्ग मिल जाएगा, एक सही स्थान मिल जाएगा जहाँ से हम सभी अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। कि हम लोग को जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बजट अलाउ ही नहीं हो रहा है, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम यहाँ पे हो ही नहीं पाता है, खासकर हमारे भोजपुरी को लेकर। तो अब धीरे धीरे हमारे कुछ सीनियर्स ने इसको स्टार्ट किया है, बट जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा हमें वो बजट नहीं मिल पा रहा है जिस बजट की हमें ज़रूरत है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बोला कि फिल्म सिटी का निर्माण हो, बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ फिल्म सिटी का निर्माण हो, ताकि हम सबको अपनी कलाकारी अपना दिखाने का मौका मिले कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे भोजपुरी में भी बहुत ताकत है। आगामी बजट से हमारा उम्मीद है कि मोदी जी से प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है कि ज़रूर वो भोजपुरी के लिए गोरखपुर में इंडस्ट्री या फिर जो यहाँ के दबे हुए कलाकार उनको प्रोत्साहन देंगे, उनसे उम्मीद है। जो बजट आ रहा है हम यही सरकार से मांग करते हैं कि हम कलाकारों के लिए जो भोजपुरी दिन पे दिन पीछे, क्योंकि भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो लोग पिछड़ते जा रहे हैं, तो हम यही आशा करते हैं और मांग भी करते हैं कि इन प्यारे प्यारे कलाकारों के लिए हमारे गोरखपुर में, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए माननीय सांसद जी रवि किशन शुक्ला जी हैं, तो हम उनसे भी अपील चाहेंगे कि इन कलाकारों के लिए हमारे गोरखपुर में एक फिल्म सिटी भी जरूर बनवाएं, जिससे हमारे सब कलाकारों को एक सुनहरा मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। बस यही उम्मीद करते हैं कि सभी कलाकार की एक पैमाना निर्धारित किया जाए, उस पैमाने के में जो भी कलाकार आते हैं उनको कुछ न कुछ न्यूनतम भुगतान दिया जाए सरकार की तरफ से।
सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि हम कलाकारों को एक मंच चाहिए और हम लोगों को एक कुछ आय का भी साधन चाहिए, जिससे हम लोग अपने जो कला को हैं और निखार सकें। अब हम लोग को जैसे साइड में कुछ, जैसे मैं एक टीचर भी हूँ, साथ में म्यूज़िक भी सीखती हूँ, परफॉर्म भी करती हूँ, साथ में टीचिंग भी करती हूँ अपने खर्चे निकालने के लिए। तो कम से कम अगर सरकार हम लोग को खर्चे निकालने के लिए कोई एक साधन दे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम म्यूज़िक को देंगे और अच्छे बड़े बड़े मंच पर हम लोग जा सकते हैं। तो बस हम लोग को यही चाहिए। तो बजट 2020 में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।